तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीपीएन और आप देख रहे हो वीपीएन गार्डनिंग एंड टूरिज्म। दोस्तों बागड़ की हर एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। घर बैठे आप मेला है उसका पूरा का पूरा दृश्य आप देख पा रहे हो। जिन जिन भक्तों की डिमांड आई थी, जो जो वो यहाँ के बारे में जानना चाह रहे थे, हर एक अपडेट मैं उनको दे रहा हूँ। और दोस्तों इसी के साथ जो मेरा नंबर दिया गया है उस पर इतने ज्यादा कॉल आ रहे हैं आप सोच नहीं सकते। कई कई बार तो मुझे वो नंबर बंद करना पड़ रहा है। दोस्तों एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, उस नंबर पे कोई भी कॉल रिसीव नहीं होगी। तो आप जो भी अपना मैसेज छोड़ना चाहते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी के मैसेज बॉक्स में छोड़ सकते हैं, फेसबुक पर छोड़ सकते हैं और व्हाट्सएप पर छोड़ सकते हैं, आपका वहां रिप्लाई आ जाएगा। परंतु आप सोच रहे हैं कि वीपीएन आपकी कॉल रिसीव करेगा, तो ऐसा संभव नहीं है। तो सभी दर्शकों से मेरी अपील है कि आप मुझे परेशान न करें। आपका जो भी प्रश्न है आप मुझे इन सोशल मीडिया के अकाउंट पे डालिए, मैं वहां का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों एक सूचना और है, कल 5 तारीख को बागड़ मेले में यहाँ ट्रांसपोर्ट जो मंत्री है केंद्र के नितिन गडकरी वो पहुंच रहे हैं, तो कल यहाँ भीड़ है वो काफी ज्यादा रहने वाली है। केंद्र के जो प्रोटोकॉल है उनके अनुसार यहाँ जो सिक्योरिटी है दोस्तों वो काफी टाइट हो जाएगी। तो जो भी भक्त कल पहुंच रहे हैं शायद उन्हें दर्शन के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि जब भी वो मंदिर में आएंगे तो कुछ देर के लिए जो लाइनें हैं भक्तों की उनको रोकना पड़ेगा। कल गोगामेड़ी से ही जो बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा है वो स्टार्ट होने वाली है और इसको जो हरी झंडी दिखाने वाले हैं वो नितिन गडकरी हैं। और दोस्तों इसी के साथ काफी जो दर्शक है वो ये जानना चाह रहे हैं कि जो गोगा नवमी है वो कितने तारीख को है और उसका जो शुभ मुहूर्त है वो कब से स्टार्ट होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा ये बताने वाला हूँ कि गोगा नवमी कब है और जो शुभ मुहूर्त है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों गोगा नवमी का जो त्योहार है वो भाद्र मास कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन मनाया जाता है और ये वाल्मीकि जो समाज है उनके लिए ये प्रमुख त्योहार है। और गोगा जी का जो जन्म है दोस्तों वो भी इसी नवमी को हुआ था। तो गोगा नवमी का जो त्योहार है वो भादवे की नवमी को मनाया जाता है और इसी दिन जो बागड़ का मेला है वो चरम पे होता है, क्योंकि नवमी के दिन ही मुख्य वो दिन है जब ये मेला भरता है। इस दिन दोस्तों जो बागड़ में भीड़ होती है उसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है, क्योंकि इतने ज्यादा यहाँ भक्त देश के अलग अलग कोनों से पहुंचते हैं बाबा के दर्शन के लिए। वैसे तो भादवे की 2 नवमी आती है, परंतु जो पहली नवमी है जो कि 8 तारीख को पड़ने वाली है उस नवमी का जो ज्यादा महत्व माना गया है। और उस नवमी का जो स्टार्टिंग है दोस्तों वो 7 सितंबर से ही चालू हो जाएगी शाम को 4:14 पे, और अगले दिन 8 सितंबर को शाम के 5:30 तक ये रहने वाली है। दोस्तों मैंने ये आपको अभी जो मुहूर्त बताया ये पंचांग के अनुसार बताया है। और दोस्तों इसी माह में जो दूसरी नवमी आने वाली है वो 24 सितंबर को आने वाली है। उस दिन भी बागड़ के मेले में काफी भीड़ रहने वाली है, लाखों की संख्या में भक्त हैं वो बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों जिन जिन भक्तों को ये जानना था कि नवमी कब है उसकी पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों बागड़ से जुड़ी हर एक अपडेट पाने के लिए वीपीएन गार्डनिंग एंड टूरिज्म जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। और जो जो बाबा के अनुयायी है, जो जो भक्त हैं बागड़ मेला पहुंच रहे हैं या पहुंचने वाले हैं, उन सब तक ये वीडियो पहुंचाइए। और एक और सूचना दोस्तों, जो जो भक्त यहाँ संग लेके पहुंच रहे हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ जो नोहर लीफ सोसाइटी है हर 1 मिनट के बाद वहाँ आवाज लगाई जाती है, क्योंकि जो संघ के व्यक्ति आते हैं वो बिछड़ जाते हैं, छोटे बच्चे हैं वो बिछड़ जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो उपाय है पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया है और आज फिर कर देता हूँ, जितने भी आपके व्यक्ति हैं सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप में सब अपनी लाइव लोकेशन भेज दे, ताकि कोई भी व्यक्ति कौन सी भी साइड है उसकी लोकेशन आपको दिखती रहेगी। और जब भी आपको वापिस निकलना हो तो आप उसमें एक मैसेज छोड़ सकते हैं, सब तक वो मैसेज चला जाएगा। ऐसे छोटे छोटे जो उपाय हैं वो आप करके अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं।
और जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके जेब के अंदर कम से कम 3 या 4 व्यक्ति जो आपके संग में आए हुए हैं, प्रमुख व्यक्ति हैं, उनके मोबाइल नंबर लिख के डाल दें एक पर्ची, ताकि वो बच्चा कहीं भी खोए तो उसके पास जिस व्यक्ति को मिलता है थोड़ी बहुत उसकी चेकिंग करे तो वो नंबर मिल जाए और आप तक सूचना पहुंचा दे वो व्यक्ति, या तो किसी अलाउंसमेंट के थ्रू या आपको मोबाइल पे सूचना दे दे कि ये व्यक्ति, ये बच्चा यहाँ है, आप इसे ले जाएं। दोस्तों ये उपाय अभी एक दिल्ली से संग आया था, उसने किया था, वो व्यक्ति मुझे यहाँ मिले, काफी लंबी बातचीत हुई और उन्हें इस बात के लिए काफी अच्छा लगा कि आपने ये संदेश दिया और इसका हम उपयोग कर रहे हैं, ये काफी हद तक कारगर साबित हो रहा है। तो दोस्तों आप भी संघ के साथ आ रहे हैं तो इस तरीकों को अपनाने वाले हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की यहाँ असुविधा न हो, कोई भी व्यक्ति इस मेले में खोए न, क्योंकि दोस्तों अष्टमी और नवमी को यहाँ पांव रखने को जगह नहीं रहने वाली, इतनी ज्यादा भीड़ आने वाली है। और जो नोहर रिलीफ सोसाइटी है दोस्तों, वहाँ हर एक सेकंड में एक आवाज लगाई जाएगी कि एक छोटा बच्चा है, एक बूढ़ी माता है, एक बूढ़े व्यक्ति है। तो ऐसी असुविधा से बचने के लिए आप ये तरीका अपनाएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।